वेलकम टू अद्विश क्लासेस, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस बुक से चैप्टर 3, जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। तो आइए पढ़ते हैं। पहेली एंड बूजू वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूजू ने फर्स्ट प्राइज जीता अपने एक साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में जो उनके स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये प्राइज मनी मिला है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. लेकिन जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी क्लॉथ्स की तो वो क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ क्लॉथ्स या कुछ कपड़े जो हैं वो कैसे हैं, कॉटन के हैं, और कुछ कपड़े कैसे हैं, सिंथेटिक के। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। उनके पास और क्या थे, वूलन मफलर्स और शॉल्स भी थे। देयर वर मैनी सिल्क सारीज एज वेल, और उनके पास सिल्क सारीज भी थी। पहेली एंड बूजू फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजू बहुत एक्साइटेड हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। वो हर फैब्रिक को क्या करते थे, अलग अलग जो फैब्रिक्स थे, कपड़े थे, उनको टच करते और महसूस करते। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अब उन्होंने फाइनली क्या लिया, एक वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब उन्होंने क्लॉथ शॉप से सामान ले लिया, जब कपड़े ले लिए, उसके बाद पहेली एंड बूजू बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, क्या, अपने आसपास के जितने भी अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स हैं उनको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। They found that bed sheets, blankets, curtains, table cloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. तो उन्होंने क्या पाया कि जो bed sheets हैं, blankets means कंबल्स हैं, curtain पर्दे हैं, table cloths हैं, towel means तौलिया और dusters, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके की fabric से बने हुए हैं। Even their school bags and gunny bags are made of different kind of fabric. यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग्स हैं या गनी बैग्स जिनको बोरे बोलते हैं, वो भी क्या हुआ, अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने क्या किया, इन सभी को अलग अलग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट ट्राई किया और पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा कॉटन का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी सब कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आते हैं 3.1, वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, अपने आसपास की एक टेलर शॉप देखिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, सिलाई के बाद जो बचे हुए कपड़े होते हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उन कटिंग्स को। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर कपड़े को टच कीजिए और फील कीजिए, महसूस कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब क्या कीजिए, उनको, उन फैब्रिक्स के जो टुकड़े हैं उनको बांटने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। इसमें आप टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आपको पता लगा है कि ये फैब्रिक्स जो अलग अलग फैब्रिक्स हैं ये कैसे बनते हैं। When you look at any fabric, जब आप किसी कपड़े को देखते हैं, it seems a continuous piece, तो ये क्या दिखता है, आपको एक लगातार टुकड़ा दिखता है, एक मतलब एक टुकड़ा दिखता है जिसमें आपको वो सिर्फ Now look at it closely, अब इसको ध्यान से क्लोजली देखिए। What do you notice, तो आप क्या नोटिस करेंगे। एक्टिविटी 2 में हम ये देखेंगे। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. एक कॉटन का पीस ले लीजिए। Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. अब इसके एक किनारे से धागा निकालने की कोशिश कीजिए, उसको लूज कीजिए, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपको कोई भी लूज धागा नहीं दिख रहा है तो आप उसको आराम से एक पिन या नीडल यानी सुई की मदद से निकाल सकते हैं।
वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक फैब्रिक यानी कि एक कपड़ा यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, बहुत सारे धागे जो आपस में अरेंज किए होते हैं उनसे बना हुआ होता है. व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, ये यार्न्स कैसे बनते हैं. तो अब आगे चलते हैं, ये धागे जो हैं वो कैसे बनते हैं. 3.2 फाइबर, एक्टिविटी 3 में हम पता करेंगे कि जो धागे वो कैसे बनते हैं. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, जो हमने एक कॉटन फैब्रिक से निकाला था, क्या निकाला था, एक धागा निकाला था. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, तो इस धागे को, जो धागे का पीस है, टुकड़ा है, उसको टेबल पर रखिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो 3.4 फिगर में, इसी तरीके से एक किनारे को आप क्या कीजिए, अपने थंब से, अंगूठे से प्रेस कीजिए. स्क्रैच द अदर हैंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन 3.4, और जो दूसरा किनारा है उसको अपने नेल से स्क्रैच कीजिए. डू यू फाइंड दैट इट्स एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इंटू थिन स्ट्रैंड्स, तो आप ये देखेंगे कि जो धागा था उसमें से भी क्या हो जाएगा, पतले पतले और रेशे से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे. You might have observed something similar when you try to thread a needle. आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप एक सुई में धागा डालने की कोशिश करते हो. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. तब आप देखते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सुई में धागा डालते हैं तो धागा जो है वो पतले पतले और स्ट्रैंड्स यानी रेशों में बिखर जाता है, जिससे वो धागा सुई में नहीं डल पाता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle, जो कि क्या करता है, बहुत difficult हो जाता है सुई में, जो सुई की छेद है उसमें धागा डालने में दिक्कत आती है. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जो हमें पतले पतले रेशे दिखते हैं धागे के, तो वो किससे बने होते हैं, बहुत पतले पतले रेशे बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, fibers, रेशे बोलते हैं. Fabrics are made up of yarns and yarn are further made up of fibers. Fabrics जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे कपड़े वो होते हैं जो धागे से बने हुए होते हैं. And yarns are further made up of fibers. और जो धागे हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर यानी रेशे से. Where do these fibers come from? अब ये जो रेशे हैं ये कहाँ से आते हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. जो फाइबर्स यानी जो रेशे हैं कुछ कपड़ों के, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं जो उनमें रेशे मिलते हैं, या जूट है, सिल्क है, या वूल है, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन और जो जूट फाइबर्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से. जबकि वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क जो फाइबर्स हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, वूल कहाँ से मिलता है हमें, शीप और गोट के जो बाल होते हैं ना उनसे हमें ऊन मिलती है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये हमें और कहाँ से मिलते हैं, याक एंड कैमल्स, ऊंट याक और खरगोश के बालों से भी हमें वूल प्राप्त होती है. सिल्क फाइबर इज ड्रोन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलती है. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, हजारों सालों से जो हमारी नेचुरल फाइबर्स हैं वही क्या कर रही हैं, यूज़ हो रही हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वही यूज़ होती हैं. इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों से और ज़्यादा सालों से फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, फाइबर्स कैसे बन रही हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से भी बन रही हैं. विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि हमें किसी भी प्लांट या एनिमल सोर्स से प्राप्त नहीं होती है. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, तो ऐसे फाइबर्स को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. जो फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, जबकि जो फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, केमिकल सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं, ऐसे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें से सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक.
सम प्लांट फाइबर्स, अब कुछ प्लांट फाइबर्स देखते हैं जैसे कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, आपने कभी ऑयल लैम्प्स के लिए बत्तियां बनाई हैं। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, तो इन विक्स को बनाने के लिए यानी बत्तियों को बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो हम क्या करते हैं, बत्तियां बनाने के लिए रुई का यूज़ करते हैं, कॉटन का यूज़ करते हैं। यही कॉटन क्या होती है, यूज़ होती है हमारी क्या फिल करने में, मैट्रेसेस फिल करने में, पिलोज फिल करने में, क्विल्ट्स फिल करने में। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। कुछ कॉटन लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा खींचना स्टार्ट कीजिए और उनके किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे रेशे देखने लगेंगे जो कॉटन फाइबर से बने हुए हैं। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, अब ये कॉटन वुल है ये कहाँ से आती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये कॉटन वुल जो है वो कहाँ से आती है, ये फील्ड्स में उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स जो हैं वो यूजुअली कहाँ ग्रो होते हैं, तो ये ब्लैक सॉइल जहाँ पर होती है वहाँ, और वार्म क्लाइमेट होता है, थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पर कॉटन उगाई जाती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप बता सकते हैं कुछ नाम जहाँ कॉटन ग्रो कर उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वो कुछ लेमन यानी नींबू के साइज जैसे होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन, फिर ये बॉल्स क्या होती हैं, बाद में ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जो कॉटन फाइबर से सीड्स ढके हुए होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, क्या आपने कोई भी कॉटन फील्ड देखा है जो क्या हो बिल्कुल तैयार हो, यानी जिसमें कॉटन बिल्कुल तैयार हो चुकी हो, रेडी हो चुकी है, जिनको हमें बस निकालना है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, तो वो फील्ड कैसा लगता है, जैसे वो बिल्कुल बर्फ से ढका हो। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे ये बिल्कुल कॉटन जो है वो निकालने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ये बर्फ से ढका हुआ फील्ड है। From these balls, cotton is usually picked by hand. इन balls से जो cotton है वो निकाली जाती है हाथों के द्वारा, normally हाथों से निकाली जाती है। Fibers are then separated from the seeds by combing. फिर इसके बाद जो fibers हैं यानी कि जो रेशे हैं वो अलग किए जाते हैं बीजों से, किसके द्वारा, combing से, जो आप ये देख रहे हैं इस तरीके की combing से क्या होता है, figure 3.7 में जो combing की जा रही है इस तरीके से हम seeds को अलग करते हैं। This process is called ginning of cotton. इस process को हम क्या बोलते हैं, ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. Traditionally ये हाथों से की जाती है ginning, लेकिन आजकल क्या होता है कि ये मशीन से भी की जाती है। इसके बाद आते हैं जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलती है, जूट प्लांट के स्टेम से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसको हम कल्टिवेट कब करते हैं, रेनी सीजन के दौरान। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड आसाम। इंडिया में जूट मेनली कहाँ ग्रो होती है, वेस्ट बंगाल में, बिहार और आसाम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को नॉर्मली हम कब हार्वेस्ट करते हैं, जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज पर होती है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो हार्वेस्ट प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए बाद वाटर में इमर्स्ड किया जाता है। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रूट हो जाती हैं, और फाइबर्स को हम हाथों से सेपरेट कर लेते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into cotton. के रेशे हम खुद भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वूल है उसको अपने हाथों में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। तो क्या कीजिए,
कुछ कॉटन का जो हिस्सा है वो अपने थंब में दबाइए और दूसरा हिस्सा फोर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक हाथ से इधर से कॉटन को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इधर से अपने थंब और फोर फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से कॉटन को आप पकड़िए। जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे कॉटन को खींचना स्टार्ट कीजिए वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और उसको कंटिन्यूसली लगातार ट्विस्ट भी करते जाइए। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो क्या आप एक धागा बनाने में सफल हुए? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न यानी कि रेशे से धागे बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है? फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट। जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं कॉटन से, वो क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं और उनको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसके बाद जो फाइबर्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं? एक धागा बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इन इज अ हैंड स्पिंडल। एक सिंपल डिवाइस है जो क्या किया जाता है, धागे बनाने में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो हैंड स्पिंडल होता है, हाथों से चलाया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड तकली, उसको बोलते हैं तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा एक और डिवाइस है जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि उसमें भी हाथों से ही काम किया जाता है, वो क्या है? चरखा। चरखा तो आप सभी ने सुना ही होगा। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा का यूज़ है वो कब पॉपुलर हुआ था? जब महात्मा गांधी ने उसको एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पार्ट के जैसे यूज़ किया था। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनक्रेज किया था, पीपल्स को इनक्रेज किया था क्या पहनने के लिए? अपने खुद के बने हुए हाथ के कपड़े पहनने के लिए, जिसको हम बोलते हैं खादी के कपड़े, और इम्पोर्टेड क्लॉथ जो है जो ब्रिटेन की मिल्स में बनते थे उनको पहनने से मना किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को प्रमोट और पॉपुलर करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, एक बॉडी कंस्टिट्यूट की जिसको बोला गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो स्पिनिंग ऑफ यार्न है यानी कि यार्न का जो धागे बनाने की जो प्रोसेसिंग है, अगर बड़े स्केल पर की जाती है तो हम स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद जो यार्न्स हैं उससे क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक्स, यानी धागों से फिर क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक्स, कपड़े। यार्न टू फैब्रिक, अब धागे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम यार्न से क्या बना सकते हैं? फैब्रिक। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। लेकिन उनमें से मेन प्रोसेस कौन कौन से हैं? वीविंग और निटिंग। वीविंग, इन एक्टिविटी टू यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टूगेदर। तो आपने जब एक्टिविटी टू देखी थी जिसमें हमने क्या किया था, धागों को लूज किया था और निकाला था, उस एक्टिविटी में आपने ये नोटिस किया होगा कि एक फैब्रिक जो कपड़ा है वो क्या होता है, दो धागों के सेट से मिलकर बना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अगर कोई कपड़ा धागे के दो सेट को अरेंज करके बनाया गया है तो उस फैब्रिक को हम क्या बोलेंगे? वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने यानी बुनने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी फाइव, टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो शीट लीजिए पेपर की और अलग अलग कलर की। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब क्या कीजिए, कुछ स्क्वायर पीसेज कट कीजिए जिनकी लेंथ और विथ इक्वल होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर के, और ईच शीट से कट करना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, और अब इस तरीके से उन दोनों शीट्स को क्या करना है, फोल्ड करना है। उन दोनों शीट्स को क्या करना है, इस तरीके से
फोल्ड करना है. ऑन अदर ऑन वन सीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12. और अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ लाइन बनानी है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइंस बनी हुई हैं, उन लाइंस को बनाइए. एंड ऑन द अदर हैंड अदर एज शोन फिगर 3.12B. बी में आप देख रहे हैं, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड. आपने जो लाइन बनाई है उनको फिर क्या कीजिए, कट कर लीजिए. वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन 3.12. अब इसके बाद आप इनको बुनने की कोशिश कीजिए. एक पेपर तो आपका रखा हुआ है, उसमें स्ट्रिप्स डालने की कोशिश कीजिए. जो कट्स हैं उनमें से स्ट्रिप्स निकालने की कोशिश कीजिए. 3.12D shows the pattern after weaving all the strips. अब 3.12D जो है वो क्या शो कर रहा है, एक पैटर्न बन गया जो हमने क्या किया था, स्ट्रिप से बना बुन कर तैयार किया है. तो आप अपने घर में नॉर्मली चटाई देखते हैं तो उसमें आपको ये पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के जो बुनाई होती है उसको हम वीविंग बोलते हैं. इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. इसी तरीके से जैसे हमने पेपर स्ट्रिप से बुनाई करके एक पैटर्न बनाया, इसी तरीके से दो धागों के सेट को बुनकर हम एक फैब्रिक यानी कपड़ा बना सकते हैं. द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स. जो धागे होते हैं वो बहुत पतले होते हैं किसके मुकाबले, पेपर स्ट्रिप्स के मुकाबले. ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. जो वीविंग ऑफ फैब्रिक है वो लूम्स पर की जाती है, यानी कि जो कपड़े की बुनाई है वो लूम्स पर की जाती है. लूम्स बोलते हैं इस तरीके की जो आपको दिख रहा है, इसमें लगाकर धागों को फंसाकर और फिर वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. जो लूम्स होते हैं वो तो या तो हाथ के बने हुए होते हैं, हैंड ऑपरेटेड, या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं. इसके बाद आते हैं नेटिंग. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नेटेड. क्या आपने नोटिस किया है कि स्वेटर्स किस तरीके से बुने जाते हैं. इन नेटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. फिगर 3.14 में हम देख सकते हैं. तो निटिंग में क्या होता है कि वीविंग में था कि हमें दो सेट्स चाहिए होते हैं धागे के कपड़े को बनाने के लिए, लेकिन निटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक धागे से ही हम फैब्रिक का पीस तैयार कर सकते हैं. हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. क्या आपने कभी धागा खींचने की यानी निकालने की कोशिश की है फटे जो मोजे हैं उनके जोड़े से, मतलब जो सॉक्स हैं उनमें से. व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड. तो क्या होता है, एक सिंगल धागा ही कंटिन्यूसली निकलता जाता है जब तक कि वो पूरा फैब्रिक सुलझ नहीं जाता. द सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नेटेड फैब्रिक्स. सॉक्स और बहुत सारे क्लॉथिंग आइटम्स क्या होते हैं, निटिंग निटेड फैब्रिक से बने होते हैं. निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. निटिंग जो है वो हाथों से भी की जाती है और मशीन्स के द्वारा भी की जाती है. वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. जो वीविंग और निटिंग जो है दोनों किसके लिए यूज़ की जाती हैं, अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स. ये फैब्रिक्स क्या करते हैं फिर, अलग अलग वैरायटी के क्लॉथिंग आइटम्स के लिए यूज़ होते हैं. हिस्ट्री और क्लॉथिंग मटेरियल. हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स. क्या आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मटेरियल यूज़ करते थे पहले एंशियंट टाइम यानी पुराने समय में पीपल जो है वो क्लॉथ्स के लिए क्या यूज़ करते थे. इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स. तो उस समय में जो पीपल थे वो ट्री की बार्क या बिग लीव्स या एनिमल्स की स्किन और फर्स को यूज़ करते थे अपने आप को ढकने के लिए. आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज. उसके बाद जब पीपल ने क्या किया, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होना स्टार्ट किया. दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर टू स्टिच टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स.
तो उन्होंने फिर क्या सीखा, उन्होंने वीव यानी बुनना सीखा, ग्रास को घास से मैट्स बनाना एंड बास्केट्स वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, इनको उन्होंने फैब्रिक्स में बुनना सीखा। दे अर्ली इंडियंस वर वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। फिर उन्होंने क्या किया, द अर्ली इंडियंस जो थे उन्होंने फैब्रिक्स पहनना स्टार्ट कर दिए जो कॉटन से बने हुए होते थे, और जो कॉटन वो कहाँ उगती थी, रिवर गंगा के पास के रीजन में। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स एक प्लांट है जो क्या देता है, वो भी हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही कल्टिवेट की जाती थी रिवर नील के पास, और क्या यूज़ करने के और फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उन दिनों में सिलाई यानी कि सिलाई के बारे में नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो पीपल सिंपली क्या कर लेते थे, कपड़ों को लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स आर यूज, अलग अलग तरीके से ड्रेपिंग फैब्रिक्स यूज़ की गई। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, जब सुई का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। तो पीपल ने फैब्रिक्स स्टार्ट क्लॉथ्स बनाने के लिए फैब्रिक्स को सिलना स्टार्ट कर दिया, यानी कपड़ों को सिलना स्टार्ट कर दिया। स्टिचड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के बाद जो स्टिच्ड क्लॉथ थे वो क्या हो गए, बहुत सारी वेरिएशन आने स्टार्ट हो गए उनकी। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी धोती लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आज तक लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जैसे साड़ी धोती लुंगी और टर्बन, इनको बिना सिले ही पहना जाता है, आज भी इनको कपड़े के रूप में पहना जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जिस तरह हमारी पूरी कंट्री में ऑल ओवर आवर कंट्री फूड जो होता है बहुत सारी लार्ज वेराइटी में खाने को मिलता है, इसी तरीके से हमारे यहाँ जो कपड़े हैं या क्लॉथिंग आइटम्स हैं वो भी बहुत लार्ज वेराइटी में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कॉटन रोल से फाइबर बनाया, जब हमने कॉटन रोल से रुई के रोल्स थे उनको फाइबर बनाया, तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस। और जब फाइबर से यार्न बनाया यानी रेशों से हमने धागे बनाया तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस। और जब यार्न से हमने फैब्रिक बनाया यानी धागे से हमने कपड़े बनाना स्टार्ट किया तो वो मेनली दो प्रोसेस से बनाए जाते हैं, नेटिंग और वीविंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।